जालौर के भीनमाल में थाने में तैनात कांस्टेबल रामनिवास का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांस्टेबल के मुंह पर मास्क नहीं होने के कारण पत्रकारों को वीडियो बनाने से रोका गया। कांस्टेबल ना ही वर्दी में है, ना ही उसने कोरोना गाइडलाइन का पालन किया। साथ ही कांस्टेबल ने वहां मौजूद लोगों को अपनी दादागिरी भी दिखाई। तो पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई, थाने में तैनात कांस्टेबल की दादागिरी देखने को मिली, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, पत्रकार के साथ बदसलूकी भी की गई। तो पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई, थाने में तैनात कांस्टेबल की दादागिरी देखने को मिली, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। अधिक अधिक जानकारी के लिए सुरेश धवल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सुरेश, देखिए कोरोना नियमों की पहले तो धज्जियां उड़ाई गई, साथ ही पत्रकार के साथ बदसलूकी भी की गई, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? बिल्कुल आयुषी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भीनमाल शहर के अस्पताल के सामने का एक पूरा मामला है, जिसमें एक हार्डवेयर की दुकान पर पुलिस के अधिकारी कोई कार्रवाई कर रहे थे। उस कार्रवाई के दौरान जब एक पत्रकार ने पुलिस कर्मी का वीडियो बनाना चाहा तो पुलिस कर्मी ने उसका मोबाइल तोड़ने तक उतार हो गया और यहाँ तक रोकने लगा और उसने कहा कि वीडियो बनाने का शौक है तो अपने घर पर जाके बनाना वीडियो कलेक्ट। और सबसे बड़ी बात तो आई थी ये है कि एक कांस्टेबल की इतनी हिम्मत कहाँ से हुई कि इसने पत्रकार को रोक दिया, जबकि उसके सीनियर अधिकारी है वो मौके पर मौजूद थे, लेकिन वो चुप भी साधे हुए चुपचाप बैठे रहे और कांस्टेबल को नहीं रोका। और इससे ये साबित होता है कि भीनमाल थानाधिकारी की छह में पल रहा ये कांस्टेबल आखिरकार इतना बदमाश कैसे हो सकता है और इतनी दादागिरी पत्रकार को कैसे दिखा सकता है और पत्रकार को कैसे धमका सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। जी शुक्रिया सुरेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो थाने में तैनात कांस्टेबल की दादागिरी देखने को मिली, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई।